तो किराया है 1 + x² होल स्क्वायर इंटू बाई 2 प्लस 2x इंटू 1 + x² बाई 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे बाई 2 है d2y/dx² और बाई 1 है dy/dx, तो हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया बाई को, तो ये कितना हो जाएगा 2 tan inverse x। तो अभी tan inverse x का और करना पड़ेगा, तो चेन रूल से 1/(1+x²) tan inverse x का डिफ्रेंशिएशन हो गया। dy/dx को यहाँ हमने बाई 1 लिखा हुआ है। अब 1+x² को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, बाई 1 × 1+x² ये आ गया हमारे पास। इसको एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो बाई 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बाई 2। अब 1+x² एज इट इज आएगा, प्लस बाई 1 एज इट इज आएगा, लेकिन 1+x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, और 2 tan inverse x का हो जाएगा 2 1/(1+x²). अब पूरी इक्वेशन में 1+x² से इंटू कर दो, यही हमें प्रूव करना है। सो दैट्स ऑल।